मिजोरम के पूर्व गृह मंत्री आर लार्जिलियाना और एमएनएफ के उम्मीदवार रॉबर्ट रुमाविया रॉयट पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 के तहत शिक्षा अनुदान घोटाला में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। बीते शनिवार को कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिजोरम के 57 स्कूलों को अनुदान की पहली किश्त मिल चुकी है, जबकि उपयोग प्रमाण पत्र और पिक्चर रिपोर्ट के अभाव में दूसरा किश्त रुका हुआ है। चूंकि गृह विभाग लार्जिलियाना के दायित्व में था, इसलिए उन्हें घोटाले का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इधर रॉबर्ट रुमाविया का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मिजोरम अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए अनुदान की सूची तैयार की थी। जांच में पता चला है कि 2 कक्षाओं, 2 टॉयलेट और आइजोल फुटबॉल क्लब स्कूल में पेयजल आपूर्ति के लिए 6.64 लाख रुपयों का अनुमोदन मिला था, जिसका शिक्षा विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ललियन चुंगा ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, अनुदान पाने वाले सभी स्कूलों की अब जांच होगी। माइनॉरिटी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिलीजन। क्रिश्चियन इज आवर रिलीजन एंड वी आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटी। एज फार एज वी नो द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम हैज नॉट येट डिक्लेयर्ड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज माइनॉरिटी। देन यस दे गॉट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट they are unable to furnish genuine documents and photographs which shows the construction of school buildings and other construction works. मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा त्रिपुरा के एक शरणार्थी शिविर में पहुंचे। विष्णुपुर के पानीसागर सब डिवीजन के अंतर्गत गोचीरामपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो भ्रूर शरणार्थियों की सभी समस्याओं का समाधान करेगी, प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पूर्ण गति से होगी। कुल शरणार्थियों में से 11,000 शरणार्थी मिजोरम के मतदाता हैं। डॉक्टर शर्मा ने दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही उन्हें उनकी पहचान दिला सकती है। ब्लू रिप्लेस लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट में कुछ खामियाजा रह गया और आगे जाके आप लोग को शांति का साथ मिजोरम लौटने का और कुछ करना है, ये सारा करने का जिम्मेदारी बीजेपी सब लोगों का साथ मिलके बीजेपी करेगा, ये मैं आप लोग को आश्वासन देना चाहता हूँ। सिक्किम के ऊर्जा खंड को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने 110 मेगावाट चूजाचेन जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। गति इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाया गया यह पूर्वोत्तर भारत का पहला निजी खंड का पावर प्रोजेक्ट है। 1200 करोड़ रुपयों की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। मौजूदा सिक्किम जल विद्युत परियोजना और कुल मेगावाट उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। राज्य सरकार ने सिक्किम के लिए 3300 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और अब तक सिक्किम 3000 मेगावाट उत्पादन में सक्षम हो चुका है। यदि यह 3300 मेगावाट का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला सिक्किम भारत का पहला राज्य होगा। सिक्किम भी भारत का एक अभिन्न अंग है, ऐसा मैंने उन लोगों को बताया। तो उस टाइम वो माताओं ने मुझे कहा, अच्छा सिक्किम भी भारत में है। हम लोग तो सोचते थे कि सिक्किम तो एक दूसरा ही देश है, भूटान की तरह, ऐसे वो लोग सोचते थे। और उसके बाद में मैं बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज देश प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 183वां जन्मदिन मना रहा है। मणिपुर में भी बीजेपी की महिला मोर्चा ने इस मौके पर नारी योंका शक्ति यानी महिला सशक्तिकरण की थीम पर बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली का शुभारंभ बीजेपी के मणिपुर प्रदेश कार्यालय से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने झंडा लहराकर किया। बीजेपी की महिला वॉलंटियरों ने बाइक पर ग्रेटर इम्फाल के कई इलाकों के चक्कर लगाए। मणिपुर की पारंपरिक पोशाकों में झांसी की रानी का वेश धरकर हाथ में तलवार और भाला संभाले महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने घुड़सवारी भी की। हम लोग रानी झांसी का रानी रानी लक्ष्मीबाई का याद करके उसी की तरह हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का महिलाओं भी मणिपुर को, हमारा राज्य को पीस लाने में, डेवलप लाने में और महिलाओं को राइट बचाने में, राइट लेने के जो
जो जो आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पहले से भी योगदान दे रहा है, आगे भी योगदान देने के लिए यही रैली बना रहा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय में 44,000 से अधिक दिव्यांग रहते हैं। वहीं नया दिव्यांग कानून पारित होने के बाद यह संख्या कई गुना बढ़ गई है, लेकिन दिव्यांगों को यहाँ सरकारी दफ्तरों, संस्थानों या पर्यटन स्थलों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेघालय सरकार अब सरकारी दफ्तरों, संस्थानों और पर्यटन स्थलों में दिव्यांगों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। 3 चरणों में यह कार्य पूरा किया जाएगा। पहले चरण में कुल 21 सरकारी भवनों को लक्ष्य पर रखा गया है। This Disability Act, the old one, we notified 7 type of disability. So, but now after the new act has come, so it come to 21. So that is one main thing. And plus, there's a lot of changes regarding with this old act and new act. So we were discussing regarding with that. एक समय था जब शिलांग में घोड़ों की संख्या अधिक थी और इनका उपयोग परिवहन में किया जाता था। आज जमाने के साथ ही शिलांग शहर में भी काफी बदलाव आया है और यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से घोड़े गायब हो चुके हैं, लेकिन आज भी सड़कों पर दौड़ते हुए घोड़ों की टापे लोगों को याद आती है। और इसी याद को ताजा करने के लिए इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन ऑफ मेघालय ने पहली बार शिलांग में हॉर्स शो और रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग का आयोजन किया है। 2 दिवसीय इस इवेंट का उद्घाटन पूर्व गृह मंत्री जेएम पारियात ने किया। इवेंट के पहले दिन प्रदर्शनी में 31 घोड़े नजर आए। इवेंट में 6 टीम है और 56 प्रतियोगी मैदान में है। That is the whole reason for this, to reintroduce races back to. We had it and why should it go? So we want to bring it back. That's the main reason. And you need money for this. And now people in our society, many of them have got money. They've got driving Mercedes, driving Audis and everything, so why not? They may keep horses also if the infrastructure is there. And it's people like Babi John here. Representative from the EFI, he mentioned that in 1996 there was a horse show, but that was held by an outside organization, association. In 2002, the Assam Rifles first horse show, which is held by a local body.